हमारी अदालत का लक्ष्य कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत स्थापित कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन के फैसलों को आप तक पहुंचाना है। वास्तविक घटनाओं के नाट्य रूपांतर द्वारा यह जानकारी देना है कि हम अपना मुकदमा कैसे लड़ सकते हैं। हम इतने जागरूक हो जाएं कि हमारे साथ धोखाधड़ी, जालसाजी करने, हमें गुमराह करने या अधिक कीमत वसूलने की बात कोई सोच भी ना सके। उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत करती है हमारी अदालत। भास्करन बनाम सत्यार्थी इंटरनेशनल एकेडमी। सत्यार्थी इंटरनेशनल एकेडमी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। इसकी लापरवाही के कारण यहां पढ़ने वाली 3.5 साल की संध्या की मौत खुले सेप्टिक टैंक में गिरने से हो गई। इसके लिए उसके माता पिता मिसेज एंड मिस्टर भास्करन ने निचली अदालत में मुकदमा किया, जिसने 10,000 रुपए का हर्जाना दिए जाने का आदेश दिया। ये केस निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले पर रिवीजन पिटीशन के रूप में इस अदालत के सामने अपीलकर्ता द्वारा रखा गया है और इस राशि को बढ़ाकर 5,00,000 रुपए किए जाने की मांग की गई है। मिसेज एंड मिस्टर भास्करन की ओर से एनजीओ कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेंटर से जुड़ी मिस विजया तथा श्री सत्यार्थी इंटरनेशनल अकेडमी की ओर से श्री विक्रम प्रसाद पैरवी कर रहे हैं। मैम, आज मैं आपके सामने एक हकीकत पेश करना चाहती हूं। स्कूल की लापरवाही की वजह से 3.5 साल की संध्या आज हमारे बीच में नहीं है। संध्या अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। इनकी बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी थी उसके साथ। मैं आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना करना चाहती हूं कि इनके मां बाप ने जो कॉम्पेंसेशन के लिए 5,00,000 रुपए की रकम मांगी है, आप प्लीज उसे ऑनर करें। निचली अदालत अपना फैसला सुना चुकी है और ये फैसला उन्होंने इस तरह के मामले में दिए गए फैसले को मद्देनजर रखते हुए ही दिया है। मिस्टर विक्रम, क्या एक बच्चे की जान की कीमत केवल 10,000 रुपए आपकी नजर में ये सही है? मैडम, मैं अब भी ये मानने को तैयार नहीं कि बच्ची की मौत का जिम्मेदार स्कूल है। बच्ची अपनी असावधानी के कारण सेप्टिक टैंक में गिर गई, चाहे उसकी मौत हो गई। ये महज एक दुर्घटना थी जो कहीं भी किसी के साथ भी हो सकती है। स्कूल की लापरवाही का तो सवाल ही नहीं उठता। देखिए, बच्ची की मौत स्कूल की लापरवाही की वजह से हुई है और ये बात लोअर कोर्ट में प्रूव हो चुकी है। आज का रिविजन पिटिशन केवल हर्जाने की राशि को लेकर है। अगर आप ये कहेंगे कि ये लापरवाही नहीं थी तो ये लोअर कोर्ट के फैसले का अपमान होगा। किसी भी स्कूल में जब बच्चे को दाखिला दिया जाता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल की होती है। निचली अदालत ने आपके स्कूल को जो लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया है वो बिल्कुल उचित है। एजुकेशन प्रदान करने को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक सर्विस माना गया है और ये बात श्री धरण नायर बनाम रजिस्ट्रार केरल विश्वविद्यालय के मामले में 31 मई 2001 को दिए गए फैसले में कही जा चुकी है। संध्या अपने माता पिता की सबसे बड़ी पूंजी थी, उसे मौत के मुंह में धकेलने के लिए जिम्मेदार स्कूल, उसके लिए केवल 10,000 की पेनल्टी? ये मजाक नहीं है तो और क्या है? किसी की जान की कीमत क्या इतनी कम हो सकती है? हम आपकी बात से सहमत हैं मिस विजया, इसीलिए मिस्टर विक्रम को हिदायत देना चाहते हैं कि वो अपनी दलीलें केवल हर्जाने की राशि तक सीमित रखें। मैम, मैं सिर्फ इतना प्रूव करना चाहती हूँ कि अगर बच्ची को चोट लगी होती तो बात कुछ और थी, मगर यहाँ तो एक बच्ची से उसके जीने का अधिकार ही छीन लिया गया है। नुकसान इतना बड़ा और हर्जाना इतना कम। अब ये देखिए,
कि संध्या के माँ बाप की हालत क्या है, वो लाइफ में कितना डिसिल्यूजन हो गए हैं, उनकी जिंदगी में अंधेरा छा गया, जीने का कोई मकसद नहीं है। इनकी हालत सिर्फ वही समझ सकता है जो खुद इस समय इस दौर से गुजर रहा हो। मत रो गीता, मत रो। कैसे ना रो, 9 महीने मैंने इसे अपने कोख में पाला और एक पल में वो हमसे हमेशा के लिए दूर हो गए। क्या क्या सपने देखे थे, क्या क्या अरमान थे अमर, देखिए बच्चे का जीवन ही सिर्फ इतना था। उसे मौत किसी बहाने आनी थी सो आ गई। निचली अदालत ने हर्जाना देने का हुक्म दिया है जो हम देने को तैयार है, लेकिन उस हर्जाने को बढ़ाना नहीं, ये बिल्कुल जायज नहीं होगा। निचली अदालत के इस फैसले से हम भी सोच में पड़ गए हैं, इसलिए मिस विजया हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हर्जाने की राशि बढ़ाने के लिए अगर आपके पास और कोई दलील है तो कृपया उसे पेश करें। मैम, मैं आपसे 1 हफ्ते का समय चाहती हूँ। ठीक है, अगली सुनवाई आज ही के दिन अगले सप्ताह होगी। ओके। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि लोअर कोर्ट ने इस बात पर गौर कैसे नहीं किया कि ये आम दुर्घटना का केस नहीं है। दिस इज जस्ट अ केस ऑफ प्योर नेग्लिजेंस। पेरेंट्स तो बच्चों को स्कूल भेजकर निश्चिंत हो जाते हैं कि उसके बच्चे की देखभाल और सुरक्षा के लिए कोई लापरवाही ना बरती जाए। देखिए, जब आप बच्चे को स्कूल में भेजते हैं तो ये स्कूल की जिम्मेदारी होती है कि बच्चे की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखे, लेकिन स्कूल अगर अपनी ये जिम्मेदारी पूरी नहीं करता है तो इसका जिम्मेवार भी स्कूल खुद होता है। स्कूल ने आपके साथ, आपके विश्वास के साथ विश्वासघात किया है। They have cheated you. मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है। मैं हर्जाने की राशि से अपनी बच्ची के लिए एक ट्रस्ट बनाना चाहता हूँ, जो छोटी बच्चों के लिए प्ले स्कूल खोलेगा, जहाँ संध्या की उम्र के बच्चे आकर खेल खेल में कुछ सीख सकेंगे और उन्हें देख देख कर हमें अपनी संध्या। संध्या के मृत्यु का गम कम करने में ट्रस्ट सहायक होगा। हमें यकीन ही नहीं होता कि संध्या अब हमारे बीच नहीं रही। उसका जीवन छीना जाना ही हमारे लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। इस केस को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मुझे कुछ फोटोग्राफ्स की जरूरत होगी। क्या आप मुझे ऐसी फोटोग्राफ्स लाकर दे सकती हैं? हाँ, मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दे देता हूँ। देखिए, मुझे इस केस को अच्छे से स्टडी करना होगा ताकि हमारे ये केस और स्ट्रांग हो सके। आई होप यू विल कोऑपरेट। थैंक यू। We'll be right back.
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी मैम कि सिर्फ संध्या से उसके जीने का अधिकार नहीं छीना गया है, संध्या के मां बाप से भी उनके अधिकार छीने गए हैं। और इतने सारे अधिकार छीने जाने के बदले अगर वो कुछ कॉम्पेंसेशन चाहते हैं तो वो बिल्कुल जायज है। 3.5 साल की उम्र बच्ची की ऐसी नहीं होती कि माँ बाप को उनसे इतना लगाव हो जाए। उनको ये बात मान लेनी चाहिए कि ये महज एक दुर्घटना थी। ये महज दुर्घटना नहीं है। माँ बाप को पूरा अधिकार होता है कि अपने बच्चे के साथ रहे। माँ बाप को अधिकार होता है कि वो अपने बच्चों की किलकारियां सुने। माँ बाप को अधिकार होता है कि अपने बच्चे का लालन पालन करे। माँ बाप का पूरा अधिकार होता है कि अपने बच्चे को समाज में प्रतिष्ठा दिलाए। लेकिन अगर कोई आदमी उनसे ये सारे अधिकार छीन लेता है तो उसके बदले में कॉम्पेंसेशन पाना इनके लिए जरूरी है। मैडम, अगर बच्चे की उम्र ज्यादा होती तो इस तरह का लगाव की बात समझी जा सकती थी, लेकिन यदि छोटी सी उम्र है बच्चे की समाज में प्रतिष्ठा की बात ये को समझ में नहीं आती है। मैं फिर से कहता हूं ये महज एक दुर्घटना थी और कुछ नहीं था। मैम, अब मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाना चाहती हूं। इन फोटोग्राफ्स में साफ दिखाई दे रहा है कि स्कूल का सेप्टिक टैंक खुला हुआ था जिसमें गिरकर संध्या की मौत हुई। अब गिरते ही अचानक तो उसकी मौत नहीं हो गई होगी। जब वो गिरी थी उसने हाथ पांव चलाए होंगे, वो तड़पी होगी, दर्द से चिल्लाई होगी। इस बात का हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं लेकिन महसूस नहीं कर सकते। इस बात को महसूस सिर्फ इसके पेरेंट्स कर सकते हैं। Tell me one thing, स्कूल की लापरवाही की वजह से why should the parents undergo such mental trauma? Fantastic. Emotions. मैडम, ऐसे इमोशंस इमेजिनेशन में अच्छे लगते हैं, असल जिंदगी से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ऐसे में मैं आपका ध्यान ब्लैक लॉ डिक्शनरी की पेन और सफरिंग चैप्टर की ओर दिलाना चाहूंगी जिसमें ये साफ मेंशन है कि इंजरी सिर्फ फिजिकल नहीं होती बल्कि मेंटल भी होती है। व्हाट दे आर अंडरगोइंग इज मेंटल इंजरी, मेंटल ट्रॉमा। और इस ट्रॉमा के बदले में आप उन्हें सिर्फ 10,000 रुपए देंगे? मिस्टर विक्रम, ये बात बिल्कुल साफ है कि स्कूल में टॉयलेट की फैसिलिटीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसा लगता है बच्चों को शायद टॉयलेट के लिए खुले में जाना पड़ता होगा। मैडम, टॉयलेट का काम चल रहा था, अब जाहिर है कि मरम्मत में थोड़ा बहुत वक्त तो लग ही जाता है। अब ऐसे में अगर कोई बच्ची दुर्घटना का शिकार हो जाती है तो इसे स्कूल की लापरवाही कैसे कही जा सकती है? चलिए मानते हैं कि मरम्मत का काम चल रहा था, लेकिन क्या बच्चों की सेफ्टी के लिए वहां कोई आदमी नियुक्त नहीं हो सकता था? हमने एक चपरासी को वहां ड्यूटी पर लगाया था। अब हो सकता है संध्या जब वहां गई हो तो चपरासी ड्यूटी पर नहीं था। आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, वहां किसी की ड्यूटी नहीं थी। मैडम, टॉयलेट के पास किसी ने ड्यूटी देने को कहा ही नहीं। वैसे भी उस गंदी बदबूदार छींक कितनी बदबू आती है, 8 घंटे ड्यूटी कौन देता? अगर कोई कहता तो मजबूरन हमको ड्यूटी देनी पड़ती, और कोई कहता ही नहीं था। मिस्टर विक्रम, स्कूल ने अगर किसी व्यक्ति की वहाँ ड्यूटी लगाई थी और वो वहाँ से नदारद था तो इसमें किसी विद्यार्थी की तो कोई गलती नहीं है। ये जानना स्कूल मैनेजमेंट का काम है कि ऐसी खतरनाक जगह पर कोई व्यक्ति ड्यूटी पर मौजूद है या नहीं, और अगर ड्यूटी लगाई गई थी और वो व्यक्ति वहाँ नहीं था तो क्या स्कूल मैनेजमेंट ने उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई की? सभी बातों पर गौर करने और पक्ष तथा विपक्ष की दलीलों को सुनने के बाद ये अदालत ये निर्णय लेती है कि स्कूल मैनेजमेंट लापरवाही के लिए दोषी है। उनकी लापरवाही की वजह से एक मासूम की जिंदगी चली गई, जिसकी वजह से उसके माँ बाप को जिंदगी भर इस दुख का सामना करना पड़ेगा। निचली अदालत ने अपने निर्णय में जजमेंट का हवाला दिया है जिसमें 10,000 रुपए का हर्जाना उचित माना गया है। हमारा मत है कि निचली अदालत की ये राय उचित नहीं है। निचली अदालत द्वारा केवल मात्र फेटल एक्सीडेंट एक्ट 1855 का ही सहारा लिया गया लगता है, परंतु इस एक्ट के तहत जो मुआवजे की राशि है वो जस्टिफाइड तो होनी ही चाहिए। ये अदालत इस बात से सहमत नहीं है कि 10,000 रुपए की राशि जस्टिफाइड है, किसी भी हालत में ये रीजनेबल नहीं है। यहाँ दो उपभोक्ता है, एक 3.5 साल की बच्ची संध्या
और दूसरे उसके माता पिता। बच्ची को सेप्टिक टैंक में गिरने पर जो चोट पहुंची उससे उसकी मौत हो गई। इसलिए ये स्कूल द्वारा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। उन्होंने माता पिता के विश्वास को चोट पहुंचाई है। जब स्कूल किसी बच्चे को दाखिला देता है तो उसकी सेफ्टी रखना उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। इस मामले में इस बात का कतई ध्यान नहीं रखा गया है। इसलिए ये डेफिशिएंसी इन सर्विस तो है ही, इसी के साथ ही हम ये भी रिकॉर्ड पर लाते हैं कि स्कूल के प्रॉपर टॉयलेट और दूसरी सैनिटरी फैसिलिटीज ना होने के लिए अथॉरिटीज को स्कूल चलाने की मंजूरी नहीं देनी चाहिए थी। ये अदालत 10,000 रुपए के हर्जाने को उचित ना मानते हुए अपीलकर्ता द्वारा मांगे गए 5,00,000 रुपए के हर्जाने के स्थान पर 2,00,000 रुपए का हर्जाना देने का आदेश देती है। लेकिन सभी बातों पर गौर करने के बाद हम समझते हैं कि इस राशि से न्याय की पूर्ति तो नहीं हो सकती। इसी के साथ ये आदेश भी दिया जाता है, जब ये हादसा हुआ था तब से लेकर भुगतान की तिथि तक 6% का ब्याज भी अदा किया जाएगा। इस आदेश का पालन 45 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। अभी आपने जागो ग्राहक जागो कार्यक्रम में